राज्यपाल का अभी भाषण नहीं है, ये बजट है। अब पढ़िए, बजट वही पढ़ना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। आप पढ़ने देंगे तभी तो पढ़ूंगी, आप बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी? आपके मंत्री पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मैं तो बिल्कुल ओवरटाइम पढ़ती हूं। आप अपने मंत्री को नहीं सुन रहे? भजनलाल सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने पेश किया है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पहले की सरकारों पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश का कर्ज भार दोगुना कर दिया है। पौध वितरण एवं साल के अंत तक कर्ज भार बढ़कर 5,89,781 करोड़ हो जाएगा। इस हिसाब से हर व्यक्ति का कर्ज 70,800 रुपए हो जाएगा। वृक्षारोपण किया जाएगा। साल 2017-18 में जो व्यक्ति प्रति कर्ज 36,880 रुपए था वह अब 70,800 रुपए होना संभावित है। उन्होंने कहा कि ये सब पहले की सरकारों की वजह से हुआ है। वही 70,000 पदों पर भर्तियों सहित वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई अहम घोषणाएं की है। दिया कुमारी ने आगामी एक साल में 70,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया ही है। इसके साथ ही साथ जयपुर मेट्रो के विस्तार की घोषणा की गई है। अरावली हिल्स क्षेत्र के 30,000 हेक्टेयर में वृहद वृक्षारोपण की घोषणा के साथ जयपुर के निकट एक हाईटेक सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए करने का ऐलान किया है। वही पीएम सम्मान निधि योजना में अब 6,000 की जगह 8,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली 5,000 की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपए किए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाली विद्यार्थियों को 1,000 रुपए मिलेंगे। ERCP के तहत 13 जिलों के बजाय अब 21 जिलों में पानी की सप्लाई होगी। वहीं लेखानुदान पेश करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि हम प्रदेश को सुशासन देने का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है। किसानों और गरीबों के उत्थान के साथ राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ सबका कल्याण किया जाएगा। राज्य के उत्थान के लिए बिजली, पानी और सड़क के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर स्वतः बढ़ेंगे और प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जा सके। दिया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्य किए गए हैं, जिसमें लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, अहोग, डंग, मालपुरा, गोगुंदा के लिए पहले की सरकारों ने कोई योजना नहीं की थी। इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अतिरिक्त महाविद्यालय, अस्पताल, प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने और इनके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। साथ ही सड़क निर्माण के स्टेट फंड में 1,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की घोषणा की। दिया कुमारी ने कहा कि पहले की सरकारों ने राज्य के संसाधनों के आकलन और दीर्घकालिक परिणाम को सोचे बिना जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्तियां और भुगतान में बड़ा अंतर आया है। बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से घोषणाएं कर दी गई। इसी का परिणाम है कि आज आप उधर बैठे हुए हैं और हम इधर। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के साथ तुष्टिकरण की नीति के कारण प्रदेश की विकास की गति बंद हो गई है। बता दें कि वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी 22 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है। आपको बता दें कि इससे पहले वित्त बजट हमेशा मुख्यमंत्री ही पेश किया करते हैं, लेकिन 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिया कुमारी पहली मंत्री बनी है जिन्होंने बजट पेश किया है। वहीं बजट पेश के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा भी सदन में देखा गया। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन। पार्टी नहीं है, आप खूब बोलिए, सुनिए मुख्यमंत्री जी खूब बोलिए।